हेलो अरविंद, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर श्रेय बारल आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये किसी वायरस के बारे में नहीं है, किसी डिसीज़ के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि मेरा पर्सनल एक ओपिनियन बाहर निकालती है, मेरा एक फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालती है, मेरा सुझाव देने का मन करा। तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो बनाई जाए। अब आप लोगों को ये न्यूज़ दो दिन से चल रही है, तीन दिन से चल रही है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि एज अ सोल्जर कोविड पेशेंट्स के लिए, यू नो, जिसे कोविड वॉरियर्स भी बोला जाता है, उनके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी और मौत के जो बीच में जो कश्मकश है उससे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये इंसिडेंट्स मैंने देखा, सुना भी काफ़ी, कि काफ़ी लोग को ने डॉक्टर्स पे पथराव किया, उन पर डंडे बरसाए, हॉस्पिटल्स में बहुत ही अनएथिकल बिहेवियर किया, ऑब्सीन सीन्स क्रिएट करे वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, इवन नर्सिंग स्टाफ्स के सामने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब कर क्यों रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम्हें जान से मारने आ रहे क्या डॉक्टर हैं भैया? तुम्हें वायरस ना हो जाए, तुम्हारे परिवार वालों को ये इन्फेक्शन फैल गया, या ये जो कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल मतलब कि ये एक से दूसरी से दूसरे को बहुत जल्दी हो जाती है, और आप लोगों को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। एक डॉक्टर को मार रहे हो जो आपको बचाना चाह रहा है, आप उसी को मार रहे हो, और सुन किसके रहे हो पता नहीं, किसी ने रैंडम आके आपके दिमाग में क्या भर दिया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में साजिश चल रही है, तो क्या पूरी दुनिया में साजिश चल रही है? आपको ये लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत टाइम है, बस सारा दिन घूम फिर के बस पेशेंट से कलेक्ट करेंगे वो? आपको पता है इंडिया में एक डॉक्टर के ऊपर कम से कम 10,000 मरीजों का बोझ है, एक डॉक्टर पर। और ऐसी सिचुएशन में वो सारे पेशेंट्स और छोड़कर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, और आप ये बिहेवियर दिखा रहे हैं। अगर आपको ये बिहेवियर दिखाना है ना, तो अगर डॉक्टर्स के उस पर आई, और डॉक्टर्स एक्चुअली करते नहीं ऐसे, लेकिन अगर ऐसा छोड़ो आपको अकेले भी छोड़ सकते हैं, उनका क्या छोड़ देंगे आपको? जियो मरो, तो उन्हें क्या, मरो, फैलाना है अपने परिवार वालों को फैलाओ, उनको भी मारो, खुद भी मरो। और देशों में अगर ऐसा हुआ होता ना, स्पेशली चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में, वहीं गोली मार देते, समझ रहे मेरी बात, वहीं गोली मार देते। और आप ऐसे कंट्री में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, आप डॉक्टर्स पे वार कर रहे हो, डॉक्टर्स फिर भी आपको ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने सारे और काम छोड़ के बस आप पे लगे हैं, और आप ये बिहेवियर दिखाओगे? शर्म आनी चाहिए आपको। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। वो आपकी लाइफ में एज अ गॉड, भगवान की तरह काम कर रहे हैं। उनको अरे कम से कम उनको कुछ दे नहीं सकते, कम से कम उनकी बेइज्जती मत करो, हैं, उन पे कोई क्रुएल्टी मत दिखाओ। अगर आपसे वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे आपकी जायदाद मांग रहे हैं? आपका घर मांग रहे हैं? उनका क्या जाता है? अगर उनसे दो पेशेंट ठीक नहीं हुए, समझ लो आपके घर में दो तीन पेशेंट ठीक नहीं हुए, वो तो उनको क्या है, उनके थोड़ा उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा कि तीन पेशेंट मर गए तो उनका कोई करियर ख़राब होगा, तो करियर चलता ही रहेगा, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, ये उनका ज़मीर है जो उनको ये करने नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत कीजिए, डॉक्टर्स को सपोर्ट कीजिए। डॉक्टर्स की हालत अभी बहुत ही नाजुक है। एक तो हमारी कंट्री में इतने पीपी यानी कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत कम हैं, सुविधाएं इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, उसके बावजूद भी वो दिन रात काम कर रहे हैं,
थोड़ी उसकी इज्जत रख लो। प्लीज़ आप सब कोऑपरेट कीजिए, हमें मिलके इस देश से कोरोना वायरस को बाहर निकालना है। अगर आप लोग ऐसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पता नहीं, आगे विनाश निश्चित है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, जितना हो सके घर पे रहिए, और डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करना, मतलब एक आप सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ आप ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं जो आपके आपका रक्षक है। आप अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदसलूकी करते हो क्या? वो आपके लिए कुछ चीज़ ला रहे हैं तो आप क्या उसको बदसलूकी करोगे? कोई आपके लिए ध्यान रखता है तो आप उसको मारोगे? ये सिखाया गया है क्या? तो प्लीज़, ये मेरा जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ, बाकी आप लोग सब समझदार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के साथ कोऑपरेट कीजिएगा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। और एक और चीज़ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि अभी 5 अप्रैल को जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रात को 9 बजे आप मोमबत्ती या फिर फ्लैशलाइट या टॉर्च से लाइट जला के आप अपना एक एकता का जो प्रतीक है वो दिखाइएगा, जैसे पिछली बार जो जनता कर्फ्यू में मोदी जी ने कहा था कि ताली बजा के, और ताली बजा के आप भी करिएगा। उससे कई लोगों ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया, लोग बाहर निकले, ढोल नगाड़े बजाने लगे। तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप बाहर जाके पटाखे फोड़ रहे हो, मशाले जला रहे हो, बॉन फायर कर रहे हो। ये पार्टी नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, इसका गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। बाकी आप, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, आप लोग बहुत समझदार हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिलके इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे और इसको हमारे देश से बाहर करेंगे। धन्यवाद।